हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नाइस ब्यूटी चैनल में। और आज मैं आपको एक हैंड सैनिटाइज़र बनाना बताने जा रही हूँ, जिसमें हमने नीम का यूज़ किया है। और इस नीम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। नीम की पत्ती में एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह किसी भी संक्रमण या फंगस को रोकने में हमारी मदद करता है और हमारे हाथों की सुरक्षा करता है। यह हर तरह की बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए आज मैं इस नीम का प्रयोग करके आपको एक हैंड सैनिटाइज़र बताने जा रही हूँ, जो घर में ही बन जाएगा। और ये हैंड सैनिटाइज़र रामदेव बाबा द्वारा निर्मित है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें बताएंगे हैंड सैनिटाइज़र बनाना। फ्रेंड्स, हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल नीम की पत्तियाँ, वो भी हमें धोकर लेनी है सारी नीम की पत्तियाँ। एंड फ्रेंड्स, हमें चाहिए होंगी फिटकरी, 10 रुपये की तक की आप फिटकरी ले सकते हैं। और इसके बाद हमें अब चाहिए होगा कपूर, वो भी आप 5 या 10 रुपये कपूर ले सकते हैं एक डब्बी। फ्रेंड्स, हमें 1 लीटर पानी चाहिए होगा नीम की पत्तियों को उबालने के लिए। एंड फ्रेंड्स, हमें चाहिए होंगे 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते। एंड गाइस, हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी को उबालना होगा, उसमें नीम की पत्तियाँ डालकर अच्छे से धोकर उबालना है। जब वो उबाल कर अच्छे से खौल आ जाए और उसको ठंडा करके जब पानी 1 गिलास रह जाए, हाँ गाइस 1 गिलास पानी रह जाए, तो समझिए कि वो आपका जो पानी का घोल है वो तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, उस घोल में हमें फिटकरी मिक्स करनी है। फिटकरी को अच्छे से मिक्स करना है उसके अंदर और अच्छे से घोल बनाना है। फिटकरी का पाउडर हमने डाल दिया है, अब हमें कपूर का भी पाउडर बनाकर वो भी हमें पानी के अंदर मिक्स करना है। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाए तो इसको हमने छन्नी से छान लेना है। तो लीजिए गाइस, बन गया है हमारा हर्बल हैंड सैनिटाइज़र। एक बार में आप इसको बनाकर रख लेते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक काम करता है, काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हो आप इसको। गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये हैंड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका पसंद आया, तो आप इसको ज़रूर घर पर बनाएं। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कोई सजेशन, कोई सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।